कांग्रेस के कद्दावर नेता धारमहू लोकसभा के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने जयस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जयस चाहे तो खुद चुनाव लड़ ले, उन्हें जयस की आवश्यकता नहीं है। देखिए भारत लाइव की रिपोर्ट। धार में जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के बाद मीडिया से रूबरू हुए पूर्व सांसद और वर्तमान में कांग्रेस की ओर से लोकसभा के सबसे सशक्त दावेदार गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने जयस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जयस चाहे तो अलग से चुनाव लड़ ले, जयस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आपको बता दें, जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस की सीट पर मनावर से विधानसभा का चुनाव लड़े और उन्होंने मनावर से भाजपा की रंजना बघेल को बड़े अंतर से हराया था, जिसके बाद अब लगातार जयस के द्वारा लोकसभा टिकट की मांग की जा रही है। अब ऐसे में राजूखेड़ी का यह बयान कांग्रेस और जयस के अघोषित गठबंधन को कितना नुकसान पहुँचाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस के खिलाफ जयस के संरक्षक के बगावती सुर कांग्रेस के लिए नुकसानदायक थे, लिहाजा पार्टी उनको फिर से साधने का प्रयास कर रही थी। परंतु धारमहू लोकसभा के कांग्रेस के सबसे बड़े दावेदार का यह बयान कांग्रेस के लिए कहीं मुसीबत खड़ी न कर दे। टीम भारत लाइव। जयस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? जयस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। तो आपका गृह क्षेत्र है, जहाँ से आपने हीरालाल अलावा को चुनाव लड़वाया है, चुनाव जीतवाया है, जयस के राष्ट्रीय संरक्षक है वो, आपने उनका काफी काम किया है, वहाँ पे आपने कांग्रेस को जितवाया है, आज वो हीरालाल अलावा जयस को लेके अपनी मांगे तो हम तो कह रहे हैं ना कि जयस लड़ ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जयस से आपका कोई हमको टिकट नहीं दिया तो हम बीजेपी में भी जा सकते, तो रास्ते खुले हैं, आप जहाँ जाना चाहे जो करना चाहे, आपके लिए रास्ते, आपके लिए विकल्प खुले हैं आपका।